नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम देखते हैं एमपीपीएससी 2013 का प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर। ये 100 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें 200 नंबर का रहता है और 2 घंटे का रहता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भीम बैठका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये है, डी ऑप्शन है अब्दुल्लागंज रायसेन। आपको बता दें कि भीम बैठका की गुफाएं विश्व विरासत सूची में 2003 में जुड़ी थी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में है, डी ऑप्शन है इसमें। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? तो ए ऑप्शन है इसमें, भोजपुरी। ये यूपी और बिहार में बोली जाती है, तो बाकी की तीनों मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, देवास प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन है इसमें, करेंसी नोट की छपाई के लिए। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ए ऑप्शन है गोंड। छठवा क्वेश्चन देखते हैं, तानसेन का मूल नाम था? तो डी ऑप्शन इसमें सही है, रामतनु पांडे। अब सातवा क्वेश्चन देख लेते हैं, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो सी ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली। आठवा क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 230 है। आपको बता दें लोकसभा में इसमें 29 हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। नौवा क्वेश्चन देखते हैं, इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई? तो बी ऑप्शन है इसमें, 22 मई 1955। दसवां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ए बी ऑप्शन सही है, OMR। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो डी है एम्बेडेड कंप्यूटर। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो एक्सेल नहीं है, डी ऑप्शन है इसमें। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, जंक ईमेल को भी कहते हैं? तो डी ऑप्शन है इसमें, स्पैम को। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, मेन्यू में की सूची होती है? तो कमांड डी ऑप्शन सही है इसमें। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? तो डी ऑप्शन है, प्रयोगकर्ता का नाम व डोमेन का नाम। 16वां क्वेश्चन करते हैं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध हैं समनीय हैं, सी ऑप्शन इसमें। यहाँ आपको बता दें कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 8 मई 1955 को राष्ट्रपति द्वारा इसे स्वीकृति दी गई, 1 जून 1955 से ये लागू हुआ। ये पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर में भी लागू है। इसमें 17 धाराएं होती हैं। चलिए अब हम देखते हैं 17वां क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? तो डी ऑप्शन है इसमें सही, उपयुक्त सभी, दुष्प्रेरण, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य। आपको यहाँ बता दें हम कि एसटीएससी एक्ट 1989 11 सितंबर 1989 को पारित हुआ और 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ। इसमें 5 अध्याय हैं, 23 धाराएं, ये पूरे भारत में लागू होता है, बस जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सरकार की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है? तो बी ऑप्शन इसमें, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णता निषेध है? तो ए ऑप्शन इसमें है, गिरफ्तारी पूर्व जमानत। आपको बता दें 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसमें धारा 18 के तहत अपूर्ण पूर्व जमानत भी मिल सकती है। अब 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो रैंक से कम ना हो? तो सी ऑप्शन है इसमें, उप अधीक्षक।
21वां क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? तो डी है इसमें, सामूहिक जुर्माना आरोपित करना, बाकी के व्यक्ति को हटाया जाना, संपत्ति का संपहरण, व्यक्ति का माप लिया जा सकता है, तीनों किए जा सकते हैं, ये डी ऑप्शन है इसमें। 22वां देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है, तो सी ऑप्शन है, अस्पृश्यता उन्मूलन से। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिवाद नहीं ले सकता है, तो इसमें डी ए ऑप्शन है सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 24वां देखते हैं, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कित अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया तो ए ऑप्शन है इसमें, अनुसूचित जाति के सदस्य। 25वां अपन देखते हैं, यूएन द्वारा सन 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था, तो इसमें है 1975, ए ऑप्शन सही है। आपको बता दें कि यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। चलिए अब 26वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक हैं, तो सी ऑप्शन है, सोली जे सोराबजी। अब देखते हैं अपन 27वां क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ए ऑप्शन इसमें। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन है, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार जैसे हैं जैसे मनुष्य बिना परछाई, तो इसमें बी ऑप्शन है। अब 29वां देखते हैं, ICPCR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया, तो इसमें बी ऑप्शन है 24। 35 में बता दें आपको कि इसमें आर्टिकल 32 को सही तरह से लागू करने के निर्देश दिए गए, और 21 में आर्टिकल 21 में प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है, और आर्टिकल 23 में मानव के दुरुपयोग पर और बालात से संबंधित है। अब 30वां देखते हैं, अपार्थिव है, तो बी ऑप्शन है, आयु वर्ग से संबंधित व्यवस्था। 31वां हम देख लेते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो सी ऑप्शन है 30। 32वां देखते हैं, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये ऑप्शन है इसमें, और आपको बता दें ये कि ये PN भगवती साहब ने 1970 से प्रारंभ की थी। चलिए अब 33वां क्वेश्चन देखते हैं, रेगर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी, बी ऑप्शन है इसमें, वो काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। 34वां देखते हैं, महान हिम युग का संबंध किससे संबंधित है, तो ए ऑप्शन है, प्लेस्टियोसीन। 35वां देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है, तो इसमें डी ऑप्शन है, देवप्रयाग में। अब देखते हैं 36वां, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है, तो इसमें लक्षद्वीप है, और सबसे बड़ा है दिल्ली। 37वां देखते हैं, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो बिहार उत्तर प्रदेश की, ए ऑप्शन है इसमें। 38वां देखते हैं, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, तो अरबी भाषा से हुई है, ए ऑप्शन सही है इसमें। 39वां देखते हैं, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ए ऑप्शन है इसमें, छाता विधान। आपको यहाँ बता देना कि 1986 से पूरे भारत में ये लागू हुआ था, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। 40वां देखते हैं, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार से, बी ऑप्शन है इसमें। 41वां देखते हैं, प्राकृतिक आपदा राशिकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक माना जाता है, तो ए ऑप्शन है, 1991 से 2000। अब 42वां क्वेश्चन देखते हैं, नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है, तो ओणम, बी ऑप्शन है। आपको यहाँ बता दें कि पोगल जो है जो केरल से नहीं ओणम जो केरल से संबंधित है, और पोगल है ये तमिलनाडु से संबंधित पर्व है, और बिहू है ये असम से संबंधित पर्व है, और नवरात्रि पश्चिम बंगाल और पूरे भारत में से संबंधित है पर्व है। चलिए 43वां देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम ने केरल के साथ किस क्षेत्र में साझेदारी करने की इच्छा व्यक्त की थी, तो सी ऑप्शन है इसमें, स्वास्थ्य क्षेत्र। 44वां देखते हैं,
भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो चलिए बी ऑप्शन है इसमें 28 जनवरी 1950। आपको बता दें कि जो इसमें सुप्रीम कोर्ट में अभी एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसके फर्स्ट न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश एच जे कानिया, और अभी जो 2018 में है करंट में जो रंजन गोगोई। चलिए हम 45वां देख लेते हैं। नेम से पुस्तक के लेखक कौन है? तो झुंपा लाहिड़ी, डी ऑप्शन है इसमें। 46वां देख लेते हैं। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? तो डी ऑप्शन सही है, एडवर्ड जेनर। और आपको बता दें कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, और लुईस पाश्चर ने दुग्ध का पाश्चुराइजेशन की वो जनक है, और रक्त वर्गीकरण किया था लैंड स्टीनर, डी ऑप्शन। सैंतालीसवा देखते हैं। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है? तो यह है राजमार्गों के विकास से, डी ऑप्शन है इसमें। 14 जनवरी 2004 को इसकी वो हुई थी उद्घाटन, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने की थी पुणे से। अब 48वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश में प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया है? तो बी ऑप्शन है चीन। 49वां देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? तो ये ऑप्शन है इसमें 2 से 2-3 दिसंबर 1984 को। आपको यहाँ बता दें कि मेथाइल आइसो साइनाइड गैस के कारण हुई थी ये, और भोपाल त्रासदी भी बोला जाता है इसे, गैस त्रासदी। 50वां देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो सी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। यहाँ आपको बता दें कि इस समय कुल आसियान में कुल 10 देश हैं, और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। 51वां क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व शक्कर के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया था? तो डी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833। 52वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो डी ऑप्शन है लाला हरदयाल ने। आपको यहाँ बता दें 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। 53वां क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ विकास ग्रंथ के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना 1875 में इन्हें स्वामी विवेक दयानंद सरस्वती जी ने किया था। वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्होंने दिया था। 54वां क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो इसमें सी ऑप्शन है 14 जनवरी 1961। आपको यहाँ बताएं कि ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और पानीपत का फर्स्ट युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और दूसरा पानीपत का युद्ध लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 में हेमू और अकबर के बीच। चलिए अब 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो रंगून में, बी ऑप्शन है इसमें। और 1942 में राष्ट्र बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी। 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं। योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। आपको यहाँ पे बता दें कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1955 में हुआ था, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने इसका स्थान ले लिया है। 57वां क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं, 1893 में दिया था। चलिए 58वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। आपको बता दें बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर हमारी सीमा छूती है, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर मात्र सीमा लगती है। 59वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोतास है नहीं है? तो बेंगलुरु नहीं है, कोचीन है, और बेंगलुरु है, और गुजरात है। कोचीन है हमारा केरल में, और बेंगलुरु है कर्नाटक में, और कंडला गुजरात में बंदरगाह है। चलिए अब 60वां क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। राष्ट्रीय एटलस और थेमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है? तो कोलकाता में, डी ऑप्शन है इसमें। और देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान है, और हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान है,
और दिल्ली में विज्ञान भवन है। 61 बार देखते हैं, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है, तो हिमालय का है, सी ऑप्शन है इसमें। 62 बार देखते हैं, नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में, बी ऑप्शन है इसमें। 63 बार देखते हैं, भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, सी ऑप्शन है इसमें। 64 देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है, तो नगरीकरण नहीं है, बाकी तीनों हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि और मृदा अपरदन, नगरीकरण है जी, उद्योगीकरण का प्रभाव है। चलिए 65 बार देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो नर्मदा नहीं बनाती है दोस्तों, एस्ट्री बनाती है नर्मदा नदी। 66 बार देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, तो ये डी ऑप्शन है इसमें, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। अब देखते हैं 67वां क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया है, तो 1919 का एक्ट, सी ऑप्शन है इसमें। विधान परिषद था फर्स्ट, वो दूसरा था केंद्रीय परिषद। 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चैंप फोर्स सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। चलिए 68वां क्वेश्चन देखते हैं, रबी की फसल को बोया जाता है, ये ऑप्शन सही है, अक्टूबर से नवंबर तक। चलिए अब हम देखते हैं 69वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है इसमें, ये 1976 में जोड़ा गया था। इसमें तीन शब्द 1976 में जुड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, अखंडता, और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। अब 70वां देख लेते हैं, निर्देशक तत्व क्या है, तो बी ऑप्शन है आवाद युग, और ये भाग 4 में है, आयरलैंड से लिए गए हैं, और इसका उद्देश्य होता है लोक कल्याण, सामाजिक व्यवस्था, सामान्य निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करवाना। चलिए अब 61वां देखते हैं, बीटी कल्चर किससे संबंधित है, किसे कहते हैं, तो बी ऑप्शन है अंगूर उत्पादन से। चलिए अब हम देखते हैं, सेरी कल्चर है जो ये रहता है रेशम से, पीसी कल्चर मछली उत्पादन से, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से, और सेल्वी कल्चर कोष्ठीय पेड़ों से। अब 72वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है, तो बी ऑप्शन है व्यापारी वर्ग नहीं था, और बाकी के तीनों थे। 73वां देखते हैं, हेड गेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, तो डी ऑप्शन है 1925 में। 74वां देख लेते हैं, मौलिक अधिकार क्या है, बाध्य योग्य है, ए ऑप्शन है। मौलिक अधिकार अब 6 हैं कुल, 7वें मौलिक अधिकार को 1978 में संपत्ति का जो था उसे हटा दिया गया था, अब इसे आर्टिकल 200A में जोड़ दिया गया, और ये मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए। चलिए अब हम देख लेते हैं 75वां, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया सुभाष चंद्र बोस ने। आपको बता दें कि 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में इसका किया गया था। 76वां देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा नवरत्न में शामिल नहीं है, तो सी ऑप्शन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 77वां देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा देश भारत के संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत है, तो डी ऑप्शन है इसमें चीन। 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादक तथा उपभोक्ता के रूप में तीसरे स्थान पर है, तो भारत है, यूएसए फर्स्ट पे, चीन दूसरे पे, भारत तीसरे पे। चलिए 79वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था, तो बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। और 80वां देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ ए ऑप्शन है 1951 से 52। आपको बता दें यहाँ की ये उद्देश्य इसका कृषि विकास पर था, ये आधारित थी हरोड़ डोमर योजना पर। चलिए अब 81वां देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है, तो इसमें सहनाई है, डी ऑप्शन है। संस्कृत 82वां, संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव किस वेद द्वारा किया गया, तो डी ऑप्शन है ऋग्वेद। आपको पता है कि यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है, और अथर्ववेद है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित, और सामवेद संगीत से संबंधित है, और ऋग्वेद है जो स्रोत
स्रोत एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है। 83वां क्वेश्चन देख लेते हैं, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में लगता है? तो 12 वर्ष के अंतराल पे लगता है, और ये लगता है हमारा चार जगह पे लगता है दोस्तों, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक। और अर्धकुंभ लगता है जो 6 वर्ष के अंतराल पर लगता है। 84वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? तो सी ऑप्शन इसमें मानसरोवर नहीं है, पुरी भी है, द्वारका भी है, और बद्रीनाथ है, और रामेश्वरम। 85वां क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है विष्णु शर्मा द्वारा, बी ऑप्शन है इसमें, अभिज्ञान, शकुंतलम कालिदास द्वारा लिखी गई, तुलसीदास द्वारा, रामचरितमानस लिखी गई, और रैदास जिस रयादासी संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने। चलिए 86वां देख लेंगे, किस देश ने हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप खिताब को तीसरी बार जीता है? तो सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। चलिए हम देख लेते हैं 87वां, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो सी ऑप्शन है इसमें पाटलिपुत्र, ये 16 जनपदों से संबंधित था। अब देखते हैं 88, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो 9, डी ऑप्शन है इसमें, और 11 होते हैं क्रिकेट और हॉकी में, और 7 होते हैं हमारे कबड्डी और वाटर पोलो में। 89वां देख लेते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध है तैराकी से, और तैराकी को द फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन एमजीओ संचालित करता है। तो 90वां देखते हैं, शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग या खाने होते हैं? तो 64 होते हैं, बी ऑप्शन है। 91वां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? तो क्रिकेट नहीं है, इसमें क्रिकेट शामिल नहीं है, और इसके ओलंपिक संपत्ति की स्थापना लाओस में स्विट्जरलैंड में हुई थी 1894 में, मुख्यालय भी लोसाने में स्विट्जरलैंड में। 92वां देख लेते हैं, एशियन गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में भारत की किस महिला ने पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया? तो सी ऑप्शन है कमल जीत संधु। चलिए हम देख लेते हैं 93वां, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहते हैं? तो सिंगरौली, बी ऑप्शन है। 94वां देखते हैं, क्रिकेट की एक गेंद का वजन होता है? तो ए ऑप्शन सही है। 95वां देखते हैं, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक हैं पीटी उषा, बी ऑप्शन है इसमें। 96वां देखते हैं, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध वस्त्र प्रकार है चंदेरी है, डी ऑप्शन है इसमें। 97वां देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो चचाई जलप्रपात है जो बीड़ नदी पर स्थित है। 98वां देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी सागर यूनिवर्सिटी की स्थापना वर्ष है 1946, डी है, इसे हरी सिंह यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। 99वां देखते हैं, खजुराहो के मंदिर जिले में है? तो छतरपुर जिले में है, बी ऑप्शन है। चंदेल राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी में बनवाए थे, और खजुराहो के मंदिरों को विश्व विरासत सूची में 1986 में जोड़े गए थे। चलिए 100वां देख लेते हैं, लास्ट वां, उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो छिप्रा नदी के, सी ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने MPPSC 2013 का पेपर देख लिया, अगले लेक्चर में हम 2014 का पेपर सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।